हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। मैं विकास आप सभी को आज उपलब्ध करवाऊंगा दोस्तों इस वीडियो में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा का पूरा मास्टर पेपर, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ पूरा सॉल्व पेपर। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की जो है वो बोर्ड ने आज ही जारी की है, अभी कुछ देर पहले ही बोर्ड ने आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी की है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक दोनों की आपके आंसर की जारी की गई है। तो चार पेपर आपके कुल मिलाकर के हुए थे 18 और 19 जून को, जिसमें से 18 जून को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। पहला पेपर जो हुआ था आपका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का, वो आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाया जाएगा ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व पेपर, और दूसरा पेपर आपको जल्दी मिल जाएगा। हो सका तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश मैं करूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। मेरे हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़रूर आपके आगे की एग्जाम्स के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले कई पेपर्स में बताया है, प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको उपलब्ध करवाता है फ्यूचर्स एजुकेशन। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि इस पेपर में भी आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, एक तो दामना वाला ही लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं और ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर निदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का पूरा मास्टर पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है, और अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर से ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जीके क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जीके क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। पीटीआई भर्ती का आपको पेपर चाहिए तो वो भी आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर, वो भी आपके जो भी रिलेटिव हैं उन्हें अगर आवश्यकता हो तो वो देख सकते हैं पेपर्स। तो जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य नहीं है, कौन से सत्य नहीं है। तो पहले प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इसमें ऑप्शन बी के अनुसार केवल दो नंबर वाला इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर सॉल्व पेपर ये आपको उपलब्ध करवाता है, और जीके के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन जल्द ही उपलब्ध होने वाला है, जिसमें कोशिश करूंगा आपको 500 से 1000 क्वेश्चन आपको एक साथ एक ही वीडियो में उपलब्ध करवाए जाएं, तो वो जल्द ही आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जीके क्वेश्चन आपको वहाँ मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर से बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाने के लिए स्पेशल तौर पर द फ्यूचर्स एजुकेशन की स्थापना की गई है। तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें वीडियो को और लाइक जरूर से कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। दूसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव राय पाटन। अगले पर आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर, और तीसरे प्रश्न में जैसा कि कहा गया है यहाँ, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। तो तीसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, महाराणा राज सिंह प्रथम। अब दोस्तों ये जो पेपर है वो मास्टर पेपर है, ठीक है, और मास्टर पेपर के आधार पर आपके आंसर की जारी की जाती है। अगर आपको मिलान में दिक्कत हो रही है तो जल्द ही आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जहाँ से आप मिलान कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना है। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले हम निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके वीडियो या फिर पटवारी भर्ती में से रिपीट क्वेश्चन है। ये आपके पहले भी कई भर्तियों में आ चुका है युद्ध वाला क्वेश्चन, और फिर से रिपीट हो गया है आपके। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आगे की भर्ती के लिए जरूर ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। चौथे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी के अनुसार 3, 2 और 1, पहले जो हुआ था वो हुआ था तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध, फिर हुआ था आपके खानवा का युद्ध, और फिर हल्दीघाटी का युद्ध। तो ये तीनों का कालक्रम हो गया 3, 2 और 1 के अनुसार। पाँचवा क्वेश्चन आ जाता है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित हैं। पाँच में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के अनुसार आ जाएगा आपके सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी सोनारगढ़ दुर्ग। छठे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, छठे क्वेश्चन में जैसे कहा गया है हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है, तो छठे प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 19वीं शताब्दी। और सातवां क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सातवें क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया है राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है, प्रसिद्ध लोक कला कौन सी है इनमें से राजस्थान की, तो आपके छठे क्वेश्चन में सातवें क्वेश्चन में जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कपाटो युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति, कपाटो
युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति। अब दोस्तों आ जाती है बात ये कि हमें मिलान कैसे करना है। तो आप अपने पेपर के नीचे जहाँ देखेंगे वहाँ पर आपके, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपके पेपर की सीरीज़ दी हुई है 118A। ये जो पेपर है वो आपके बेसिक कंप्यूटर निदेशक का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है 118A। अगर आप ये देखें कि हमारा भी पेपर 118A है लेकिन सर आपसे मैच नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा इसकी जो सीरीज़ है दोस्तों वो कुछ ये वाली है। यहाँ पर आपके देख सकते हैं जैसे कि ट्राइंगल या फिर रेक्टेंगल या फिर किसी प्रकार से कोई एंगल बना हुआ होगा, आपके चौकोर बना हुआ होगा या फिर ट्राइंगल बना हुआ होगा या फिर राउंड बना हुआ होगा, तो ठीक है। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से शुरू करना है, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही आप सबसे पहले आपने जो आंसर की लगा करके आए हैं, आप क्वेश्चन में जब क्वेश्चन करके आते हैं पेपर में, तो आपको OMR सीट के पीछे की जो डुप्लीकेट शीट होती है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। तो उससे आप अपने पेपर में जो आपने क्वेश्चन लगा करके आए हैं ऑप्शन, उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि मैंने ए पर कर दिया, जैसे मैंने ए इस प्रश्न का उत्तर लगाया है तो मैंने ए पर क्लिक कर लिया। इसके पश्चात मैं इस वीडियो को शुरू करूँगा फिर से, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, इसको फिर से शुरू करना है वीडियो को, और शुरू करने के साथ ही पहले क्वेश्चन में जो मैं उत्तर बता रहा हूं वो बोर्ड ने ऑफिशियल उत्तर माना है, ठीक है। और आपने जो लगाया है उससे मिलान कर लीजिए, अगर आपका मिल रहा है तो आप उसका एक नंबर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, एक नंबर लिख लीजिए कि इसका आपके एक नंबर मिल गया है। और अगर नहीं ये आपका मिलान हो पा रहा है तो उसके आगे आप अपने कॉपी में क्रॉस मार्क लगा लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीरीज मैच के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन और सरल तरीका है जो मैंने कई पेपर्स में उपलब्ध करवाया है। हमारे कई दोस्तों को, कई भाई बहनों को कष्ट होता है कि सर हम मैच कैसे करें, यहाँ पर मास्टर पेपर बोर्ड एक ही जारी कर सकता है। तो आप इस प्रकार से मैच कर सकते हैं और आगे भी परीक्षाओं के लिए आगे भी इस मेथड को अपना सकते हैं, आपको कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप कैसे मैच करें, बहुत आसान तरीका है। वीडियो आपको उपलब्ध होता है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर, यहाँ आप वीडियो चलाइए और अपने जो कॉपी में आपने उत्तर लगाया है उसको आप अपने पेपर में नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी सीरीज मैच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर का, और ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है दामना वाला। ये कई एग्ज़ाम्स में आया है, 2021 में भी कई एग्ज़ाम्स में आया था और 2022 में भी कई पेपर्स में ये क्वेश्चन टिक चुका है। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है, तो 8वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, अंगुली में पहना जाता है दामना। आगे चलते हैं अगले पर, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे, तो इसमें आपके 9वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी उस्ता कला, ऑप्शन नंबर बी उस्ता कला। आगे चलते हैं अगले पर, 10वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिबोझ को क्या कहते हैं, तो 10वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बड़ार कहा जाता है उसे, बड़ार कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है, तो इसमें 11वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए राव चंद्रसेन को। 12वें प्रश्न पर आ जाते हैं, 12वें क्वेश्चन में जैसे कहा गया है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया, 12वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। ये आपके बेसिक कंप्यूटर निदेशक का पूरा मास्टर पेपर के साथ में ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है, तो आपके इसमें से कोई सभी क्वेश्चन अगले एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि GK के क्वेश्चन आपके हर पेपर में रहते हैं और यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 13वें प्रश्न पर आ जाते हैं, 13वें प्रश्न में जैसे कहा गया है सुमेलित कीजिए, यहाँ पर संस्था दी हुई है और संस्थापक दिए हुए हैं, तो हम मिलान कर लेते हैं और फिर आपको उत्तर बताते हैं कौन सा यहाँ पर मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पर, 1, 4, 2 और 3 कैसे मिलान कर लेते हैं। राजस्थान सेवा संघ एक पर चला जाएगा, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, और दूसरा आ जाएगा देव हितैषी हितैषिणी सभा, ये आपके चला जाएगा 4 नंबर पर, महाराणा सज्जन सिंह, वीर भारत सभा ये आ जाएगा आपकी केसरी सिंह बारहट, और सर्व हितैषिणी सभा ये आपके चला जाएगा स्वामी गोपाल दास। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कुछ इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 14वें प्रश्न पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है, 14वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के अनुसार आपके किरतार बावणी कवि ईसरदास, किरतार बावणी कवि ईसरदास आ जाएगा। तो आगे चलते हैं अगले पर, और अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके यहाँ पर 15वें नंबर का, 15वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम फटाफट, 15वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए आप दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते रहते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए न जाने आप लोग कहाँ कहाँ सर्च करते हैं। लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर आना है, सर्च करना है द फ्यूचर्स एजुकेशन, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते रहते हैं। जो भी पेपर आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पुरा स्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपके 15वें क्वेश्चन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओझियाणा चित्तौड़गढ़ वाला सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सुनारी झुंझुनू गिलुंड राजसमंद और जोधपुरा जयपुर से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सुमेलित नहीं है? 16वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयशाही बीकानेर। विजयशाही जो सिक्के हैं वो आपके बीकानेर वाला जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही है। झाड़शाही सिक्के जयपुर संबंधित है, अखईशाही सिक्के जैसलमेर संबंधित है और गजशाही सिक्के जो हैं वो जोधपुर से संबंधित है। 17वें प्रश्न पर आ जाते हैं, जैसा कि 17वें प्रश्न में कहा गया है रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे, तो यह आपके रामस्नेही संप्रदाय के क्वेश्चन बहुत बार पहले भी रिपीट हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी संत दरियाव जी, संत दरियाव जी, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? 18 प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, उदयपुर में स्थित है लोक कला मंदिर। अगले पर आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आ जाता है 19 नंबर का, 19 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं आभानेरी के संदर्भ में। आभानेरी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं आभानेरी संबंधित। आभानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प सही है? तो यहाँ पर आपके 20 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के अनुसार केवल 3 नंबर वाला। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है। और 20वें क्वेश्चन में आ जाते हैं कुवलयमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 20वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 19वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, 19वें क्वेश्चन में मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, करेक्शन करना चाहूँगा। 19 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आभानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विकल्प सही हैं इसके संबंध में मैं क्षमा चाहूँगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1 और 2 सही है। यहाँ निर्मित हर्षत माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। और 2, यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। और 20वें में आ जाते हैं हम, 20वें क्वेश्चन में आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आएगा कुवलयमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो यहाँ पर आपके 20वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, 18 भाषाओं का, ऑप्शन नंबर डी 18 भाषाएं। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? 21 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखरा। और 22वां क्वेश्चन है विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? 22 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइफल शूटिंग। अगले पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर आपके बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांड गायन। अगला आ जाता है 24वां क्वेश्चन, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? 24 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 25वें नंबर के क्वेश्चन पर, जैसा कि इसमें कहा गया है राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 सितंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? 25 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आई एम शक्ति उड़ान योजना। 26वां क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कहाँ स्थापित की? तो 26 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब स्थापित की? 1585 में। चावंड में कब स्थापित की थी महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी? 1585 में। आगे चलते हैं अगले पर, 27वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और जैसा कि इसमें कहा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है? 27 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिठेश निर्मोही को। और 28वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया? तो यहाँ पर आपके 28 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, चौंप गांव जयपुर। 29वां क्वेश्चन आ जाता है, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो 29वें नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर।
डूंगरपुर। और आगे आ जाते हैं हम अगले पर, तीसवें क्वेश्चन पर। तीसवें क्वेश्चन में जैसे कहा गया है, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया, तो तीसवें नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अप्रैल 2022 में। 31 नंबर में जैसे कि कहा गया है, 31 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। 31 नंबर में डी आ जाएगा, अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 32वें नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ए बी प्लस रक्त समूह सर्वदाता, ये वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। और आगे आ जाते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पर, और जैसा कि 33 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर 33 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है, तो 33 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 33 में ए। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, लाइपेज। अगला आ जाता है 34वां क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग है, तो 34 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 11.2 किमी सेकंड। 35वां क्वेश्चन, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, 35 नंबर में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी एड्रीनलिन। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ 36वें नंबर का, और इसमें कहा गया है 36वें नंबर के क्वेश्चन में, 36 में कहा गया है, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपाई था, तो 36 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, भेड़, ऑप्शन नंबर ए भेड़। और आगे चलते हैं अगले पर, 37वें पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है, कौन सा एक नहीं है, डी आ जाएगा इसमें, एस्पार टैम। अगला आ जाता है 38वां क्वेश्चन, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, 38 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेड्यूला ऑब्लोगेंटा। अगले पर आ जाते हैं 39 पर, और जैसा कि इसमें कहा गया है, कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है, तो 39 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, लीशमैनिया। अगला आ जाता है 40वां क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, 40 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांतों का इनेमल परत। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 41 नंबर का, इसमें जैसे कहा गया है, कौन सा कथन सत्य है, कथन ए और कथन बी, कौन सा सत्य है कथन आर, तो सही कूट चुनना है। 41 नंबर में ऑप्शन नंबर आपकी ए आ जाएगा, इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, ए सही है, सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और आर भी सही है, सांभर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। और आगे आ जाते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पर, जैसा कि इसमें कहा गया है, कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है, तो इसमें आपके 42 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों ए, सूरतगढ़ थर्मल। और 43 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जैसा कि इसमें कहा गया है, 43 नंबर में आपके भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है, 43 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यहाँ पर ए बी और डी, ए यह पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बी इससे हनुमानगढ़ जिले की सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, और डी यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। अगला क्वेश्चन आया था 44 नंबर का, और 44 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है 44 में, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है, 44 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सवाई माधोपुर सिरोही भीलवाड़ा और अजमेर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपसे कहना चाहूँगा फिर से, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दें। राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कि कंप्यूटर टीचर का पूरा मास्टर पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है इस वीडियो में, और 2022 की जो भर्ती निकली है उसका पूरा मास्टर पेपर है, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश की जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, और आप चाहें तो चैनल पर जा सकते हैं, वहां मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है आंसर की नाम से, वहां पर आपको बहुत से पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जहाँ मैंने कम से कम भी नहीं तो 50 से अधिक पेपर्स आपको उपलब्ध करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के पेपर्स, तो यहाँ पर आप
बेहतरीन कलेक्शन पा सकते हैं। रीट के पेपर्स की पूरी सीरीज आपको यहाँ उपलब्ध हो रही है, और रीट के पेपर्स के साथ ही आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि लाइब्रेरियन की जो भर्ती निकली है उसके भी पेपर्स आपको जल्दी ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल के बारे में उन्हें बताएं कि यूट्यूब पर जाकर वे भी सर्च कर सकते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन। बीच में अक्सर में कहीं भी गैप नहीं है, पूरा का पूरा ऐसे कैसे ही टाइप करना है द फ्यूचर्स एजुकेशन, और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। सुमेलित कीजिए, अगला क्वेश्चन है 45। सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर खान है और खनिज है, और 45 में आपके ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। डी के अनुसार मिलान कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, डेगाना, टंगस्टन, मांडो की पाल, फ्लोर्स पार। ये आपके मांडो की पाल जो है वो आपके ये क्वेश्चन फायरमैन भर्ती से संबंधित क्वेश्चन आपके यहाँ फिर से पड़ गया है। फायरमैन में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था, और फायरमैन में मांडो की पाल, फ्लोर्स पार वाला क्वेश्चन पड़ा है, और झामर कोटड़ा ये आपके रॉक फास्फेट से संबंधित है, और गोंठ मंगलोद जिप्सम से संबंधित है। तो आगे चलते हैं अगले पर, डी आ जाएगा इसमें 45 में। 46 में जैसे कहा गया है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं सुमेलित है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें, EAD, जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान। आगे चलते हैं, बाकी तीनों सही है, ये भी देख लीजिएगा अच्छे से। और 47 पर आ जाते हैं, 47 में जैसे ही कहा गया है, 47 में कहा गया है यहाँ पर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम या न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था। तो यहाँ पर 47 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, झुंझुनू, ऑप्शन नंबर ए झुंझुनू। अगला आ जाता है 48, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर 48 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एम हेरोन द्वारा। और आगे चलते हैं अगले पर आ जाते हैं 49 में, यहाँ आपके कहा गया है जैसा कि 49 में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जिला दिया हुआ है और अक्षांश या देशांतर दिया हुआ है। 49 में आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ, 3, 2, 4 और 1, ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 4, 1, बांसवाड़ा आपके चला जाएगा 23 डिग्री 3 उत्तर पर, और जैसलमेर आपके चला जाएगा 2 नंबर पर 69 डिग्री 30 पूर्व पर, और अगला आ जाता है आपके धौलपुर जो कि आपके चला जाएगा 4 नंबर पर 78 डिग्री 17 पूर्व पर, और नेक्स्ट जो बच रहा है हमारा गंगानगर वो आ जाएगा 30 डिग्री 12 उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 85 पर आ जाते हैं, 85 में जैसा कि कहा गया है कौन सा सत्य है, कौन सा यहाँ पर असत्य कथन है, 50 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा दोस्तों यहाँ, माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है। और 51 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ये आपके P3C RSF T8I V12L, और डैश में क्या आएगा आपके, तो यहाँ पर 51 में आपके, यहाँ दोस्तों कहना चाहूँगा, करेक्शन थोड़ा करना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है R5F है, ये RSF नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ मिसप्रिंट हुआ है हिंदी में, तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा R5F। ठीक है, तो 51 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, X17O। और आगे चलते हैं अगले पर, 52 पर आ जाते हैं। 52 में जैसा कि कहा गया है, श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर गलत संख्या ज्ञात करनी है, 2880, 480, 92, 24, 8, 4, 4। तो यहाँ पर 52 में आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 92 ऑप्शन नंबर बी 92। एक पेड़ सालाना उसकी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है, यदि वह आज 64 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 2 वर्ष बाद उसमें कितनी वृद्धि होगी। 53 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 81 सेंटीमीटर की। और अगला आ जाता है 54, जैसा कि इसमें कहा गया है, निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए आवश्यक सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। तो यहाँ पर 54 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 10। और अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 55, उसमें कहा गया है कुछ विशेष नियम का प्रयोग करके रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। तो यहाँ पर आपके 55 में कुछ विशेष नियम का प्रयोग करके रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। 55 में आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 135। और 56 नंबर क्वेश्चन है, उस वे नारी का चयन कीजिए जो पुरुष, पिता और चिकित्सक के मध्य संबंधों को सही रूप से दर्शाता है। 56 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला डायग्राम आप देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं अगले पर, 57 पर आ जाते हैं अब हम।
57 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 3:25 पर मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होता है? 57 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसमें, 47 सही, 1/2 डिग्री। 58 में जैसा कि यहाँ कहा गया है, 58 पर आ जाते हैं हम, और 58 में कहा गया है, ये आपके पूरा फॉर्मूला दिया गया है, रूट में 2+3 दिया हुआ है, गुणा रूट में दिया हुआ है 2+√2+√3, गुणा रूट में दिया हुआ है 2+√2+√3, और गुणा किया हुआ है रूट में 2-√2+√2+√3 बराबर है। तो यहाँ पर 58 ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा 58 में ए एक। और 59 पर आ जाते हैं, 59 में जैसा कि यहाँ कहा गया है, 59 में ए, यदि एक निश्चित कूट भाषा में दिल्ली का कूट CCIDD है, SIGHT साइट का कूट RGDDO है, तो समान कूट भाषा में बॉम्बे का कूट क्या होगा? 59 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, AMJXVS। और 60 नंबर क्वेश्चन, एक सुबह है, उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे थे, यदि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर थी तो उदय का मुख किस दिशा में था? किस दिशा में था? 60 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर में था, उत्तर में। और 61 पर आ जाते हैं हम, 61 और 61 में कहा गया है, एक घनाभ में विभिन्न रंगों की 6 फलक है, एक घनाभ में विभिन्न रंगों की 6 फलक है, लाल फलक काले फलक के विपरीत है, नीला फलक सफ़ेद फलक के निकट है, भूरा फलक नीले फलक के निकट है, लाल फलक नीचे की ओर है, निम्नलिखित में से कौन भूरे फलक के विपरीत होगा? 61 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सफ़ेद फलक। 62 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 25 परिणामों का औसत 18 है, जिसमें प्रथम 12 का औसत 14 है व अंतिम 12 का औसत 17 है, 13वें परिणाम को ज्ञात करें। और 62 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 78 78। 63 पर आ जाते हैं हम, 63 नंबर के क्वेश्चन पर, और जैसा कि 63 में कहा गया है दोस्तों, 63 में यहाँ कहा गया है, जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाती है, संख्या बराबर है। 63 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, 50। 64, यदि शब्द LASBEBLA के अक्षरों को व्यवस्थित करने से किसी खेल का नाम बनाया जाता है तो इस प्रकार बने शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्या हैं? 64 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, B और L। और आगे चलते हैं, 65 पर आ जाते हैं हम, 65 में जैसा ही कहा गया है, यहाँ एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं जो गणित या इतिहास या अंग्रेजी पढ़ते हैं, यह ज्ञात है कि कोई भी छात्र सभी तीन विषयों को नहीं पढ़ सकता, 24 केवल गणित और इतिहास पढ़ते हैं, 8 केवल इतिहास और अंग्रेजी पढ़ते हैं, और 21 केवल गणित और अंग्रेजी पढ़ते हैं, 32 केवल गणित एवं 13 केवल इतिहास पढ़ते हैं। यदि केवल गणित पढ़ने वाले छात्रों में से 9 सभी तीन विषयों को पढ़ना शुरू करते हैं तो इतिहास पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 65 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, 65 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 66 पर आ जाते हैं, एक घन की सभी फलकों को नीले रंग से रंगा गया है, इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है, कितने घनों की मात्र एक फलक रंगी हुई है? 66 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 24। 67, निम्नलिखित श्रृंखला 738, 429, 156, 273, 894 की प्रत्येक संख्या में पहले दो अंकों को परस्पर बदल देने पर सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक के बीच का अंतर क्या होगा? 67 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 7, ऑप्शन नंबर डी। और 68 पर आ जाते हैं, 68 में जैसा ही कहा गया है, यहाँ एक प्रश्न और दो कथन नीचे दिए गए हैं, आपको तय करना है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। 1 ग्राम में कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? कथन फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा पर्याप्त है? यहाँ पर 68 में बी आ जाएगा, यहाँ केवल सेकंड पर्याप्त है, ग्राम में 20 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड में चिकित्सकों की संख्या कुल वार्ड के बराबर है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 69 पर आ जाते हैं, यदि एक वर्ष में 25 अक्टूबर गुरुवार है तो उसी माह में सोमवार की संख्या क्या है?
कितनी होगी? तो 69 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 5। 70 पर आ जाते हैं हम, 70 नंबर के क्वेश्चन पर। और 70 नंबर के क्वेश्चन में जैसे कहा गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में तीन कथन 1, 2 और 3 दिए गए हैं। आपको ये पता लगाना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा गया है क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। 70 में बी आ जाएगा यहाँ, बी के अनुसार केवल 3, एस टी की माता है और क्यू से विवाहित है। 71 पर आ जाते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिनका अनुसरण दो निष्कर्षों फर्स्ट और सेकंड द्वारा किया जाना है। तो यहाँ पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न होने पर भी आपको कथन को सत्य मानना है। सभी निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और निर्धारित कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होने पर भी दिए गए कथनों का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इसमें केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। निष्कर्ष सेकंड है आपके यहाँ पर, निष्कर्ष सेकंड कुछ टॉफियां केक है। कथन दिया हुआ है सभी केक डेस्क है, सभी डेस्क टॉफियां है। तो बी आ जाएगा इसमें, कुछ टॉफियां केक है। और आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 72 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है हमारा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। FOREIGN फॉरेन शब्द के अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके मध्य उतने अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। 72 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 2 ऑप्शन नंबर ए। और 73 पर आ जाते हैं, निम्न अनुक्रम में कितने ऐसे 3 हैं जिनके तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद में 9 नहीं आया है। अनुक्रम दिया हुआ है ये, और इसमें आपके 73 नंबर में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 2। और आगे चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है 74, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती है। 74 में आ जाएगा सी, 44 बार। 75 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमेय संख्या -4/5 और -2/3 के मध्य स्थित है। 75 में बी आ जाएगा, -7/9। और 76 पर आ जाते हैं, 76 में जैसा कि यहाँ कहा गया है, 76 में समीकरणों को एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, इसी आधार पर दिए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 76 में ऑप्शन नंबर ए, 2 ऑप्शन नंबर ए, 2। 77, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठे अक्षर के दाएं से 14वां है। 77 में आपके ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, टी ऑप्शन नंबर डी, टी। और 78 पर आ जाते हैं, 78 में जैसे कहा गया है, के का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स ब्रैकेट में दिया हुआ है x-2+6=0 का मूल बराबर है। 78 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा बी, 6। और 79 पर आ जाते हैं, राजू की आयु के 3 गुने में 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, तो राजू की आयु होगी 79 में सी आ जाएगा, 13 वर्ष। और 80 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर दिया हुआ है के जी और एच बुद्धिमान है, के आर और जे मेहनती हैं, आर एच और जे ईमानदार हैं, के जी और जे महत्वाकांक्षी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति न तो ईमानदार है और न ही मेहनती है लेकिन महत्वाकांक्षी है। 80 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पर, जी। और आगे चलते हैं, 81 पर आ जाते हैं। 81 में जैसे कहा गया है, एक टूर्नामेंट में 14 टीमें लीग मैच में खेलती है, यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ केवल एक बार खेलती है तो कितने मैच खेले जाते हैं। 81 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी, 91। और 82 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित सूचना को पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर 82 क्वेश्चन कहा गया है, आरती मुस्कान से बड़ी है, गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है लेकिन आरती से छोटा है, केशव राजेंद्र और मुस्कान से छोटा है, मुस्कान राजेंद्र से बड़ी है, किसकी उम्र राजेंद्र और गजेंद्र के बीच है। 82 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, मुस्कान। 83 पर आ जाते हैं, 83 में जैसा कि यहाँ कहा गया है आपके, 83 में ये डायग्राम दिया गया है और कहा गया है प्रश्न संख्या 83 से 84 तक निम्न पाई आरेख पर आधारित है जो एक परिवार के विभिन्न क्षेत्रों में व्यय को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपके ये पाई आरेख है, 83 और 84 दोनों क्वेश्चन इस पर डिपेंडेंट है आपके। तो 83 पर सी का पूछा गया है, सी क्षेत्र का केंद्रीय कोण बराबर है। तो 83 में आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा बी, 18 डिग्री। और 84 है, यदि परिवार का कुल व्यय 56,000 है तो बी सी और एफ ई के व्यय का अंतर बराबर है।
84 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 4480, 4480, 85 में दिया गया है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर 85 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा बी 22, ऑप्शन नंबर बी 22। और अगला क्वेश्चन आ जाता है 86, इसमें जैसे कहा गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 20वें अक्षर के दाएं से चौथा होगा। 86 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा बी के, ऑप्शन नंबर बी के। और आगे चलते हैं 87 पर आ जाते हैं। 87 में जैसा कि यहाँ कहा गया है 87, एक आदमी एक यात्रा की आधी दूरी 30 मील प्रति घंटे और अन्य दूरी 60 मील प्रति घंटे से पूर्ण करता है, यदि पूरी यात्रा 20 मील की है तो वह अपनी यात्रा पूर्ण करने में कितना समय लेगा। 87 में ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा ए 30 मिनट, ऑप्शन नंबर ए 30 मिनट। दोस्तों कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती का, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती का यानी कि बेसिक कंप्यूटर टीचर भर्ती का आपके ये पूरा पेपर उपलब्ध करवाया गया है, फर्स्ट पेपर, ठीक है। और सेकंड पेपर का आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 88 पर। 88 में जैसा कि यहाँ कहा गया है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो 88 में आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ऑप्शन सी 72, 72। और अगला आ जाता है 89, 89 में जैसा कहा गया है निम्न प्रश्न में दी गई चार क्रमांकित आकृतियां ए बी सी और डी में से निम्न एक निश्चित तरीके समान है, वह आकृति चुने जो इन तीनों आकृतियों से भिन्न हो, तो 89 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर डी डी, ऑप्शन नंबर डी डी। और आगे चलते हैं अगले पर 90 पर। सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े के समान संबंध साझा करता है, तो यहाँ पर आपके 90 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध। और अगला आ जाता है 91 आपके इस पेपर में। दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इस पेपर की कट ऑफ जो है वो आपके अच्छी खासी रह सकती है, फर्स्ट पेपर को देख करके बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो अगला क्वेश्चन है 91, विषम का पता लगावें। 91 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा G29M, G29M। 92, सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े के समान संबंध साझा करता है। 92 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, 8×4, 8×4। आगे चलते हैं अगले पर और 93 पर आ जाते हैं। यदि ए का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणा डी का अर्थ भाग ई का अर्थ प्लस, तब 14C3A12E4D2 बराबर क्या होगा, तो 93 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ 32, ऑप्शन नंबर बी 32। 94, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है और बादल को नदी कहा जाता है, तो प्यास लगने पर हम किसे पियेंगे। 94 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा दोस्तों, इसमें हवा को पियेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले पर और अगला क्वेश्चन आपके आ जाता है 95 नंबर का। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। और 95 में जैसे कहा गया है दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है जब दर्पण को एल एम की स्थिति में रखा जाए। क्वेश्चन फिगर ये दिया हुआ है और उत्तर आपके जो आ जाएगा 95 में वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बी आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं अगले पर 96 पर आ जाते हैं। 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, ए बी की ओर उन्मुख है, बी ई के दाईं ओर है और सी के बाईं ओर है, सी डी के बाईं ओर है, एफ ए के दाईं ओर है। अब डी एफ के साथ अपनी सीट का आदान प्रदान करता है और ई बी के साथ डी के बाएं कौन बैठा होगा। 96 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर डी ए। अगला है 97, समूह फोटो सत्र के लिए 630 बच्चों के एक समूह को पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है, प्रत्येक पंक्ति में उसके सामने की पंक्ति से तीन कम बच्चे हैं, कौन सी पंक्ति की संख्या संभव नहीं है। 97 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6, ऑप्शन नंबर डी 6। 98 पर आ जाते हैं और 98 में जैसा कि यहाँ कहा गया है
श्रीमान एक्स उत्तर की ओर 75 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 80 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर 45 डिग्री कोण पर मुड़ा, अंत में वह किस दिशा में चल रहा था? 98 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम। 99, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल जो होगा आपके वो 4 बचता है। तो यहाँ आपके इस क्वेश्चन में 99 में आपके ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों ऑफिशियल आंसर की के आधार पर वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9964, 9964। और 100 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है निम्न तालिका एक शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या लाखों में विभिन्न वर्षों में दर्शाती है, ठीक है। और प्रश्न जैसा कि यहाँ कहा गया है, यदि वर्ष 2001 से 2010-2011 तक की कुल वाहनों की संख्या का प्रतिशत 1990-91 से 2000-2001 के कुल वाहनों की संख्या के प्रतिशत के बराबर है, 1990-91 से 2000-2001 के कुल वाहनों की संख्या के प्रतिशत के बराबर है, तो 2010-11 में वाहनों की कुल संख्या बराबर लाखों में कितनी है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा डी 43.36 डिग्री, 43.36 लाख आ जाएगा। तो ये आपके प्रीवियस ईयर का आपको कंप्यूटर भर्ती का इंस्ट्रक्टर भर्ती का फर्स्ट पेपर उपलब्ध करवाया गया है, सेकंड पेपर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे, धन्यवाद दोस्तों।